हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक्वादी ब्लॉग। और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, सारी लेडीज एंड सारे हस्बैंड्स को, और आप सभी का स्वागत बना रहे। तो ये देखिए गाइस, मेरी मेहंदी। और आज है करवा चौथ, तो मैं जा रही हूँ अपने मायके, करना पड़ रहा है अकेले। तो दिखाऊंगी कैसे किया मैंने, और आज करूँगी, पहला है मेरा करवा चौथ नौरा मेरे मायके में। तो देखिए गाइस, हम जा रहे हैं घर। तो गाइस, मेरे पापा मुझे लेने आ रहे थे और हम जा रहे थे, रास्ते में थे। मैंने सोचा कि घर चल जाती हूँ, क्योंकि आखिर से घर डर रहा था, क्योंकि मैं और आखिर से थे तो वो डर रहा था। इससे क्या होता ना कि मैं फिर कोई काम नहीं कर पाती, तो उससे होती बहुत प्रॉब्लम। तो सोचा फिर चले जाते हैं। और करवा चौथ था ना, सिक्स करवा चौथ है, और मेरा जो करवा चौथ है पहला है जो मेरे मायके। अभी तक के 5 करवा चौथ मैंने यही पे किया अपने हस्बैंड के साथ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड ना रहे मेरे साथ किसी भी करवा चौथ में, पहला करवा चौथ है जिसमें हम दोनों साथ में नहीं थे। कुछ ऐसा रोमांस या रोमांटिक कोई पोल नहीं होते हमारे, बस ये होता है कि उनका साथ ही बहुत होता है ना हमारे लिए। कमी तो बहुत है, कोई शांति गए थे और सोच जैसे और वाइफ रहती है, वो लोग भी करना पड़ता है उनको बहुत बार। तो मैंने सोच लिया चलो बार मैं भी यही सोच लेती हूँ। खैर, मेरे हस्बैंड ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, प्राइवेट जॉब है, कंपनी मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। तो मैं आ गई थी घर, ये है मेरी मम्मी, ये पापा, कुछ घर में काम चल रहा था उसी से बातें कर रहे थे। तो मैं जाए थी अंदर, और क्योंकि अपने जो तो बहुत खुश था, तो पता उसको कुछ दे रही थी क्योंकि वो मांग रहा था उससे, जो कि पहले मेरा रूम था। और हमने करी पूजा स्टार्ट करवा चौथ की अपने छत पे रेडी होके, और मैं, ये है मेरी मम्मी, मेरे साथ पूजा कर रही थी। तो मैंने ये पूजा अपनी मम्मी के साथ करी और ये पहली थी। और थोड़ा सा रिचुअल्स अलग होते हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़े बहुत फर्क है। तो मैंने कुछ नहीं, बस अपने हिसाब से किया, जैसे मुझे जो भी आता था इतने टाइम में, जो 5 सालों में सीखा है मैंने, पर थोड़ा बहुत मैंने मम्मी को भी फॉलो किया। तो छत में जो आप ये सारा सामान देख रहे हैं ना, ऊपर काम चल रहा है इस वजह से सारा सामान बिखरा हुआ है। तो गाय जिसे कि जब तक काम चलता है तो सारी चीजें सब ऊपर ही पड़ी हुई है, इसीलिए बिखरा हुआ है सब। तो पहले हमने क्या किया, चांद हमने सोचा उधर से निकले क्योंकि जहाँ पे निकलता था, बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने इधर आके देखा तो मैंने देखा कि दूसरी साइड पे है, तो फिर मम्मी को मैंने बोला इस साइड से निकला हुआ है चांद। तो पहले हम थोड़ा अंधेरे में थे, मम्मी बोल भी रही थी इस साइड पे लाइट नहीं है, राइट साइड पे। और हुआ भी ऐसा कि चांद जिधर निकला उधर ही लाइट थी, तो हमारा ये जो है बताया। थोड़ा सा हमारा मायके होने पर ये भी अच्छा हुआ कि वीडियो शूट हो पाया। तो ये देखिए, मैं चांद की पूजा कर रही थी, पर हस्बैंड के बिना लग रहा था वो होते तो अच्छा रहता। ये मम्मी पानी डाल रही थी, तो हर बार हस्बैंड डालते हैं लेकिन मम्मी पानी डाल रही थी। और पहले मैंने मम्मी को किया था, फिर मम्मी मुझे डाल रही थी। तो जो जिसके यहाँ जैसे रिचुअल्स होते हैं वैसे करते हैं। तो गाइस, मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दें, और मुझे ये अकेले करना पड़ता है अगर मैं अपने मायके नहीं जाती तो इस वजह से मैं गई। कैसा लगा मेरा ब्लॉग जरूर बताएं कमेंट करके। सो गाइज, मैं करवा चौथ की पूजा करके रात में ही वापस आ गई थी घर। और क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था और ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, तो मुझे रात में ही वापस आना पड़ा। तो मैंने पूजा करी, खाना वाना खाया। और ये जो मेरा करवा चौथ था ना शादी के, ये छठा मेरा साल है, 6 साल की पूजा में ये पहला मेरा करवा चौथ जो मैंने अपने मायके में किया। तो ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ था, पर थोड़ा सा सैड फील हुआ इसलिए कि ये मुझे बिना अपने हस्बैंड के करना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेके गए हुए हैं मम्मी डैडी को, जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि वो लोग कहाँ गए हुए हैं। तो मैं हूँ अपने घर पे और आने वाले हैं मम्मी डैडी वापस, तो अभी नहीं टाइम है, अभी आने में उन्हें दोपहर तक आएंगे। तो गाइज, इस ब्लॉग को इतना प्यार दीजिएगा। मैं आप सबके साथ, मैंने कहा था जैसा कि
मैं आप सबके साथ ब्लॉग लेके आऊंगी, शेयर करूंगी। तो मुझे ये खुद भी नहीं पता था कि मुझे अपना करवा चौथ जो है वो मायके में करना पड़ेगा, बट ये तो पता था, पहले तो नहीं पता था, बट जब अचानक आना पड़ा तो ये पता हो गया कि मुझे अकेले करना पड़ेगा। बट अकेले थी इस वजह से, थोड़ा बच्चा है अजय के साथ तो नहीं बन रहा था, तो मैं अपने मायके चली गई। तो मेरे पापा लेने आए हुए थे, तो चलिए गाइस आगे के नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा भाई। चलते मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।